नहीं पहले ही तो क्राइम जो बारे रिपोर्ट हुई हो जिसमें मस्मार बकी ना सोलंग की उन्हें रिपोर्ट पे वो थाने में दान दी तो उनका जवाबदार बही सिंह ना उन्हें जो कुछ साक्ष्य दे पाया ना उन लोग साथ मानी जाती पड़ी है उन्हें जेब कुतर के कत्ल पे होता ना शाफल वाय चल गया इन्हीं सिलसिले में एफआईआर देखा दाखिल की उन्होंने आपको देखो आए पुलिस देखा है ना कार्रवाई करते प्रमुख जवाबदार मेन वही जिनके मथा जाति जो इल्जाम आए और कत्ल पार के कारण जो इल्जाम वो उन सजे के साथी समेत असद नाले उन्होंने पुलिस अजय गिरफ्तार किया है इन्हीं केस में स्मार्ट वकीला जगह है जिन जिनके मथा जवाबदार है उन्होंने मेरा मांग दिया रहा जिनके खिलाफ देखो आए ना पुलिस की तरह कोशिश हलंदर आए मुख्य जवाबदार जिनके मथा इल्जाम लगल हुए वो गिरफ्तार थी चुको पंडितन थाने की पुलिस उनका गुड़ गंभीरा थाने की पुलिस कार्रवाई कहते गिरफ्तार आंदी वन केस की तफ्तीश जी ना कि केस की नोयत के ऐसे इन केस की तफ्तीश सीनियर ऑफिसर की जरूरत समझते ट्रांसफर कई है मुदेन के इतमाद में वे एस एच ओ दरिया मोहम्मद अवेस मंगरियो इनके तफ्तीश कल थी चुकी है जैसा पूरी कार्रवाई अमल में आई है वधिक कोशिश जारी है सर जवाबदार किथां था आया उर्दू उर्दू में हाँ या उर्दू हाँ सागी गल चलो ठीक है चार पांच दिन पहले एक थाने में रिपोर्ट आई थी जिसमें ये रिपोर्ट हुआ था उस्मान वकीला एक लेडी है जिन्होंने रिपोर्ट किया था कि कुछ अफराद उनको जबरदस्ती लेकर गए हैं और उनमें से एक वहीद नामी शख्स ने उनके साथ जिस्मानी जाति की है और उसके बेटे को भी कत्ल करके नहर में बहा दिया पुलिस ने रिपोर्ट आने के बाद एफ आई आर दाखिल की है और एफ आई आर दाखिल करने के बाद केस की नियत को समझते हुए अहमियत को समझते हुए इसी केस की तफ्तीश एस एच ओ रियासत की मोहम्मद अवेस मंगरियो के हवाले की गई थी इसी पे पुलिस ने काम करते हुए मेन जो अक्यूज है मोहम्मद अवेस मंगरियो का जो हमारे एस एच ओ हैं रियासत की उनकी तरह से टीम और उनके साथ एस एच ओ पटी ने उन्होंने मिलकर एक जगह पर रेड करके दो मेन अक्यूज जिनके ऊपर जिसके ऊपर इल्ज़ाम था जिना का और बच्चे कत्ल का वही उसको एक दूसरे अक्यूज असद समेत पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है और उनको अभी कल इंशाल्लाह कल अदालत में पेश किया जाएगा फर्दर रिमांड के लिए और फर्दर कार्रवाई के लिए तीन इसमें मदी जो रहते हैं जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो उनकी मदद में थे उनकी भी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं पर कोशिश उनकी इंशाल्लाह फ्री हुए टाइम के असर अंदर इसकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जाएगी। थैंक यू।